थाना शाहगंज क्षेत्र के भोगीपुरा में 26 नवंबर को दिनदहाड़े हुई हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्यारोपी भाई को मुठभेड़ के दौरान बीती रात गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस हत्यारोपी को गिरफ्तार कर आगे की वैधानिक कार्रवाई में जुटी हुई है। आपको बता दें कि 26 नवंबर को थाना शाहगंज क्षेत्र के भोगीपुरा में दिन दहाड़े भाई ने गोली मारकर अपनी बहन की हत्या कर दी थी। हत्याकांड की सूचना मिलते ही एसवी सिटी सहित तमाम पुलिस फोर्स घटना स्थल पर पहुंच गया था और मृतका के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया गया था। तभी से पुलिस हत्यारोपी भाई की तलाश में जुटी हुई थी। बीती रात थाना शाहगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना पुलिस ने दिन दहाड़े हत्याकांड करने वाले हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है। को दोपहर 12 बजे पुलिस को सूचना मिलती है कि सागर थाना क्षेत्र में एक गोलीकांड हुआ है, जिसमें पूनम चौधरी नामक महिला की मृत्यु हो गई है और वहां आस पड़ोस के लोगों के द्वारा, प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा ये बताया गया कि ये हत्या निक्कू चौधरी ने की है, जो उनका भाई है, और मौके पर उनकी भाभी नीरू चौधरी भी वहीं पर थी और वो इसमें घायल हुई थी। उनके द्वारा दी गई तहरीर मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसके बाद फरार चल रहे निक्कू चौधरी के लिए दबिशें दी गई और निक्कू चौधरी को पुलिस ने दौरान मुठभेड़ गिरफ्तार किया है और उनके पास से जिस असलहे से उन्होंने ये गोलियां चलाई थी वह असलाही बरामद किया गया है और उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। क्या कुछ घटना में निकल के आया? इनका पुराना आपराधिक इतिहास है, पुराने इनके ऊपर कुल 5 मुकदमे हैं, जिसमें पहले का भी एक मर्डर का मुकदमा इनके ऊपर है। हत्या की वजह मुलजिम जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि उनकी बहन का अमर्यादित व्यवहार उन्हें और उनके परिवार को पसंद नहीं था और उस दिन भी उनसे गाली गलौज हुई थी और उनकी जो भाभी है वो और उनकी बहन मिलकर उस दिन उनके जो दुकान थे उस पर ताले लगा रहे थे और जैसा कि घटनास्थल पर हमने भी देखा था कि वहाँ बहुत सारे ताले पड़े हुए थे। तो ये दो कारण है जो कि इस घटना का कारण समझ में आ रहा है अभी तक। एसएसपी विकास कुमार ने बताया कि हत्यारोपी भाई निक्कू चौधरी से पुलिस पूछताछ में कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि वह अपनी बहन की अमर्यादित टिप्पणियों से परेशान रहता था, इस कारण उसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दे डाला। फिलहाल पुलिस हत्यारोपी भाई के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई में जुट गई है। 20 नवंबर को थाना सागन क्षेत्र के भोगीपुरा में हुई दिन दहाड़े हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि बीती रात को हत्यारोपी भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार कर पुलिस आगे की वैधानिक कार्रवाई में जुटी हुई है। अपने साथी भानु प्रताप सिंह के साथ फैजान अहमद, डीजी महाराजा न्यूज, आगरा।